फॉस्फेट का लेवल नॉर्मली पता क्या होता है, फॉस्फेट का लेवल जब भी इंक्रीज, ये एक फॉस्फेट क्या है, आयन है ना, तो स्पेसिफिकली इसके आयन की इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज कर गया। प्राइमरी हाइपरपैराथायरायडिज्म के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। एएमपी का लेवल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पता क्या करता है, एएमपी को आगे एडीपी के अंदर चेंज करता है, एडीपी को फिर ये एटीपी के अंदर चेंज करता है, ये सारे प्रोसेस एट द एंड इसने क्या करना होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेगा, यूरिनरी एएमपी लेवल इंक्रीज कर देगा, एएमपी को ज्यादा से ज्यादा यूरिन में एक्सक्रीट करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या करेगा, कम कर देगा, इसका नॉर्मल फंक्शन यही है, ठीक है। एएमपी और भी काफी सेल्स रेगुलेट कर रहे होते हैं, अगर एएमपी यूरिन में इसमें पैराथायराइड हार्मोन की वजह से भी जा रहा ना तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता इससे, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेट बच्चों पता क्यों इंक्रीज होगा, अल्कलाइन फॉस्फेट इस पेशेंट के अंदर इसलिए इंक्रीज होगा, जो अल्कलाइन फॉस्फेट होता है ना ये हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, बोन्स की ब्रेकडाउन ज्यादा से ज्यादा हो रही है, मैंने आपको पहले बताया पॉइंट, तो एएलपी उसका ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा क्योंकि ये बोन में प्रेजेंट है ना, तो इसलिए अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल इसके अंदर इंक्रीज कर देगा। समझ आ गई क्या क्या मैंने आपको इसकी फाइंडिंग बताई, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज कर देगा इस पेशेंट के अंदर, और क्या होगा इसके अंदर, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज करेगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर देगा, फास्फेट का लेवल डिक्रीज कर देगा, यूरिनरी सी ए एम पी का लेवल, ए एम पी होता है एडिनोस, ये मोनोफॉस्फेट होता है ना ये, बेसिकली एट द एंड इसने क्या करवाना होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है, एडीपी एएमपी और ये एटीपी, इन सब ने मिलके क्या करवाना होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। अब पैराथायराइड हार्मोन जब ज्यादा से ज्यादा काम करेगा ना तो इसने एएमपी को यूरिन में एक्सक्रीट करना शुरू कर देना है, जब इसने यूरिन में एएमपी को एक्सक्रीट करना तो एक स्टेज आएगी कि इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस भी सही नहीं हो सकेगी, लेकिन ये स्पेसिफिकली इसके अंदर देखा नहीं जाता क्योंकि जो एएमपी होता है ना वो और भी काफी ज्यादा बॉडी में सेल है उससे रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस ग्लैंड को ही रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे सर्जिकली ट्रीटमेंट लिख लें जो बुक में नहीं लिखा हुआ, अगर तो बच्चों जब भी बात आए ना पैराथायराइड एडिनोमा की बात आए तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि चार ग्लैंड होते हैं ना हमारे पास, तो आपने दो ग्लैंड रिमूव करने हैं, दो रहने देने होते हैं, जिस ग्लैंड का इश्यू है ना, जिस ग्लैंड का ट्यूमर है उसको रिमूव कर देना होता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर बात आए हाइपरप्लेजिया की, पैराथायराइड इसकी कॉज है हाइपरप्लेजिया अगर करवा रहा है क्या, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, तो आपने बच्चों इसके चारों ग्लैंड रिमूव करने होते हैं क्योंकि हाइपरप्लेजिया की कॉज, हाइपरप्लेजिया के केस में चारों ग्लैंड का साइज इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, इसीलिए इसके अंदर हमने चारों ही रिमूव करने होते हैं। एडिनोमा की बात है तो जिस जिस ग्लैंड का इश्यू है, चार है ना, तो उसको रिमूव करो, हाइपरप्लेजिया की बात है तो ओवरऑल सबको रिमूव कर दो, फिर बाहर से हम इस पेशेंट के अंदर पैराथायराइड हार्मोन देंगे और कैल्शियम दिया करेंगे, ठीक है, बाहर से कैल्शियम देंगे इसके अंदर, ये सारा इसका ट्रीटमेंट था। क्या मैंने आपको बताया इस पेशेंट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल इसको एक दफा हम बुक से भी रीड कर लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या लिखी है, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर गया, मोस्ट कॉमन केसेस में पैराथायराइड एडिनोमा होता है, 80% केसेस में हाइपरप्लेजिया हो सकता है और कार्सिनोमा हो सकता है जो लीस्ट कॉमन कॉज है। अब देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया तो उसके अंदर नेफ्रोलिथियासिस कैसे होती है वो भी डिस्कस कर लिया, कैल्सिनोसिस कैसे होती है वो भी देख लिया, सीएनएस डिस्टरबेंस क्यों होती है वो भी देख लिया, कॉन्स्टिपेशन, पेप्टिक अल्सर, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वाला क्वेश्चन आता है, ये आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। और ओस्टियाटिस फाइब्रोसिस्टिका कैसे हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, इसको हम ब्राउन ट्यूमर भी बोलते हैं, खाली स्पेसिस बनना शुरू हो जाएंगे ना जहां से कैल्शियम निकलेगा, तो इसीलिए हम इसको ओस्टियाटिस फाइब्रोसिस्टिका भी बोलते होते हैं, ठीक है। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज करेगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा, फास्फेट का डिक्रीज कर रहा है, वो कैसे कर रहा है मैंने आपको बता दिया, और अल्कलाइन फास्फेट का भी लेवल इंक्रीज करेगा इसके अंदर। ट्रीटमेंट इसका यही है कि इसको हम सर्जिकली रिमूव कर रहेंगे। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म की। सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में आपने याद रखना है कि इसके अंदर ना इशू कहीं और है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इशू कहीं और है, उसकी वजह से जो पैराथायराइड हार्मोन है ना वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है। अब देखें इशू और किधर है, हमारा किडनी पे इशू है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है किडनी फेलियर का पेशेंट है, मैंने आपको बताया था कि किडनी का क्या फंक्शन होता है कि इसने कैल्शियम को बॉडी में रीअब्सॉर्ब करना होता है,
डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करनी होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे। ये बात हमने शुरू में की थी ना, तो देखें मेरी बात सुने। अब किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ठीक है। अब जब किसी पेशेंट के अंदर किडनी फेलियर हो गया तो क्या उस पेशेंट के अंदर कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होगा? डेफिनेटली उसके अंदर कैल्शियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर देगा। फॉस्फेट जो बॉडी से एक्सक्रीट कर रहा था, क्या वो अब एक्सक्रीट करेगा? नहीं करेगा। फॉस्फेट का लेवल बॉडी में क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, ठीक है। बाकी सारे वही फीचर आएंगे इसके अंदर, क्या होगा? नेफ्रोकाल्सिनोसिस होगी इस पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पैंक्रियाटाइटिस, सारे फीचर वही आएंगे, लेकिन इसकी लैब्स फाइंडिंग डिफरेंट होंगी। सिर्फ लैब्स फाइंडिंग में हमने क्या देखा था, वहां पे पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज है, इसके अंदर भी इंक्रीज है, ठीक है। क्यों इंक्रीज है? क्योंकि बॉडी में क्या है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज है, इसीलिए पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इसके अंदर इंक्रीज है। कैल्शियम का लेवल इसके अंदर डिक्रीज होगा, और इसके अंदर किसका लेवल इंक्रीज हो सकता है? फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा। फॉस्फेट का लेवल क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि वो बॉडी से निकल ही नहीं रहा, एक्सक्रीट ही नहीं कर रहा, इसीलिए उसके अंदर क्या होगा, फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। जहां तक किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, प्राइमरी फॉस्फेट देखे, प्राइमरी में आपने समझा, देखिए नॉर्मल जब हमने फिजियोलॉजी डिस्कस की थी ना, मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ना फॉस्फेट की एक्सक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। अब देखिए क्या इस पेशेंट के अंदर फॉस्फेट की एक्सक्रीशन हो रही थी, प्राइमरी की बात करें ना, तो अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जब प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा से ज्यादा, जब पैराथायराइड और यहाँ कैल्शियम, एक मिनट में आपको बताता हूं। देखें प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे ना क्या होता है कि फॉस्फेट की ना एक्सक्रीशन होती है, ठीक है, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे क्या होता है कि कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है। मैंने आपको नॉर्मल जब फिजियोलॉजी बताई थी, ये फंक्शन मैंने आपको वहां पे बताया था। इसके अंदर आपने कहा है कि प्राइमरी के अंदर मुझे फास्फेट का ये लेवल समझा दें। जब किसी पेशेंट के अंदर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा ना, तो इसने फास्फेट को भी तो ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट करना है ना, तो देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो ये फास्फेट को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करेगा, ठीक है, फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज नहीं करेगा, डेफिनेटली फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज करेगा, ठीक है, इसीलिए इसके अंदर हम प्राइमरी के अंदर फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज देखते हैं। अब इसने जवेरिया ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इसके क्लिनिकल फीचर कैसे डिफरेंट हो सकते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर ऐसे डिफरेंट हो सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर बिना हम सीजर्स प्लस कन्वल्जन वगैरह जरूर देखेंगे, बाकी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वगैरह जो पेप्टिक अल्सर डिजीज वगैरह पड़ा वो हम इसके अंदर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कैल्शियम का लेवल ही बॉडी में डिक्रीज है। समझ में आ गई? सेकेंडरी वाले केस में मैंने आपको बोला था सेकेंडरी के अंदर क्या होगा कि हमारा क्रॉनिक किडनी फेलियर हो जाएगा। जब किडनी फेलियर हो जाएगा तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। जब कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो कैल्शियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज कर देगा, लेकिन इस पेशेंट के अंदर फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज करेगा। अब फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज इसलिए इस पेशेंट के अंदर करेगा क्योंकि फॉस्फेट बॉडी में ज्यादा से ज्यादा रिटेन हो रहा है। अब देखें इसमें क्वेश्चन आता है कि जो अल्कलाइन फॉस्फेट है वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्यों इंक्रीज कर रहा है। देखें अल्कलाइन फॉस्फेट इस पेशेंट के अंदर इंक्रीज इसलिए कर रहा है बच्चों, देखें पैराथायराइड हार्मोन तो अपना काम कर रहा है ना, पैराथायराइड हार्मोन का तो लेवल इंक्रीज है ना, जब पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज है तो ये जाके ज्यादा से ज्यादा रैंक एल रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगा, डेफिनेटली रैंक एल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। जब ये रैंक एल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो बोन्स की ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी नहीं बढ़ जाएगी, बोन टूटेंगे नहीं ज्यादा से ज्यादा, डेफिनेटली बोन टूटेंगी भी ज्यादा से ज्यादा, तो एएलपी का लेवल इसके अंदर इंक्रीज नहीं होगा, डेफिनेटली इसके अंदर एएलपी का लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको?
देखें सेकेंडरी, क्या आपने पूछा है कि सेकेंडरी में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज है उसके अंदर सीजर कैसे होंगे? देखिए मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम का क्या काम होता है कि एक थ्रेशोल्ड पे लेके जाना। मैं दोबारा यहाँ पे वही ग्राफ बना देता हूं, ये देखें यहां से ऐसे आया सोडियम लेके आया और यहां से कैल्शियम ने आगे इसको मजीद लेके जाना था ना। अब कैल्शियम तो है नहीं तो ये डीपोलराइजेशन अभी स्टार्ट होने लगी थी, कैल्शियम वहां पे था नहीं, ये अपने नॉर्मल लेवल पे जा नहीं सकता, फौरन रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है? इसीलिए इस पेशेंट के अंदर हम सीजर भी देख सकते हैं, समझ आ गई? फौरन रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगी और नर्व और मसल्स का क्या होगा, कनेक्शन सही तरह मेंटेन नहीं रहेगा। जब नर्व और इसका मसल का कनेक्शन सही तरह मेंटेन नहीं होगा तो इस पेशेंट के अंदर भी हम सीजर देख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि हाइपर पैराथायरायडिज्म और हाइपो पैराथायरायडिज्म में ऐसा कौन सा क्लिनिकल फीचर है जो हम देखते हैं, तो आपने बताना है वो सीजर्स होते हैं, ठीक है? उसकी मैंने रीजन भी बता दी कि वो क्यों होता है, हाइपर में भी हो सकता है और हाइपो पैराथायरायडिज्म में भी सीजर हम देख सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, वो है हाइपो पैराथायरायडिज्म। अभी तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो दोबारा पूछ ले मेरे से, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ।